Hi everyone, welcome वेलकम टू डिस्टल जी के क्लासेस तो पेपर टू हिंदी का डायरेक्ट आंसर देखते हैं आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है पैडागॉजी के एक दो क्वेश्चन में सीटेड अपने हिसाब से आंसर बदल सकता है तो आप एक दो क्वेश्चंस की उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको फाइनल आंसर के में उसके आंसर बदले हुए देखने को मिलेगा ठीक है ये हर बार ऐसा हुआ है एंड दूसरी चीज की जो लोग बोल रहे थे कि ए का भेज दो बी का सी का डी का देखिए ये टेस्ट बुक का जो मतलब जो भी आपका बुकलेट होगा उसका भले से ए बी सी डी ई एफ चेंज होगा बट क्वेश्चन आपका मान लीजिए यहाँ पे ये 93 है तो मे भी आपका ये क्वेश्चन जो है दसवें मतलब इससे आगे मिल जाए सौ नंबर पर मिल जाए एक नंबर पर मिल जाए तो ये सफल होते हैं क्वेश्चन तो आप अपना वीडियो देखते जाइए जहां पर आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चेक करते जाइए ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए हम बिना पैसेज पढ़े ही डायरेक्ट आंसर पे देखेंगे तो ये पैसेज ये है कि कहते हैं मनुष्य ने नौ दस हजार पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी तो ये है पूरा पैसेज अब इसका नाइनटी का आंसर देखिए देखिए आप नाइन्टी तो वन है कि इस दौर के लोग तो इसका मैं राइट आंसर बता देती हूं दूसरा है इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे वाक्य के रेखांकित में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है तो नौ दस हजार वर्ष पूर्व के लोगों की ठीक है नाइन्टी टू देखिए नाइन्टी टू का आपका पहला सही है भक्ति योग्य का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में ठीक है चलिए अब हम नाइन्टी थ्री देखते हैं 93 देखिए 93 का आपका तीसरा सही होगा कर्म यहां पर होना चाहिए कर्म योग एवं ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे तो तीसरा सही हो गया 94 फोर देखिए 94 फोर का आपका दूसरा सही होगा गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व तो सर्वाधिक है तो ये हो गया आपका 95 फाइव देखिए और 95 का आपका पहला सही होगा कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है तो वो है भक्ति का ठीक है चलिए नाइन्टी देखिए 96 का आपका देखिए अगर आपने पैसे इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका तीसरा सही होगा क्योंकि मनुष्य के पुरुजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था तो मानसिक विकास का ये होगा नहीं बोला है ठीक है नाइन्टी सेवन देखिए पूछ रहा है विशेषण विशेष का उदाहरण तो उज्जवल पक्ष हो, पक्ष होगा क्योंकि सबसे बुद्धिमान आपका अधिक तेजी आपका प्रविशेषण है ठीक है तो इसलिए राइट आंसर आपका फोर है उज्जवल पक्ष ये आपका विशेषण विशेष का उदाहरण है नाइन्टी एट तो बहुत आसान था कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा तो सापेक्ष का नाइन्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा निरपेक्ष ये तो पता ही आपको चलिए तो 99 का आपका समूह से भिन्न शब्द जो है वो आपका तेजी हो जाएगा क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें आगत और साथ में नुक्ता लगाया गया है तो ये आपका अलग हो जाएगा तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब अगेन आपका यहां पे देखिए पैसेज है सौ से एक और ये पैसेज है जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं तो जिसको अपना सपना पाना है वो बन जाता है दीवाना तो ये एक सौ से एक सौ पांच ये वाला पैराग्राफ है ठीक है तो हंड्रेड का आप देख सकते हैं हंड्रेड का राइट आंसर हो जाएगा पहला कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना ठीक है अब एक सौ एक देखते हैं तो 101 का देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा 102 देखिए 102 का शहर का अर्थ मतलब होता है हम गांव में बोला भी जाता है शहर का समय है सुबह ठीक है तो पहला सही हो जाएगा एक सौ तीन देखते हैं देखिए तो अगर 103 का बात करें तो 103 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा क्योंकि यहां पे लिखा है कविता की कौन सी पक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है कि एक दिन आएगी अपनी सहर ठीक है कि एक दिन अपना भी समय आएगा तो दूसरा आपका सही हो जाएगा 103 हो गया 103 का दूसरा 104 देखिए इसका पहला सही होगा कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है तो जो साधा है तूने ये हो जाएगा एक का 105 तो बहुत आसान था। फिक्र का मतलब क्या होता है? है? चिंता, ठीक चलिए। पैसेज अब यहां पर देखो एक सौ छह तो एक सौ छह का आपका पहला सही होगा क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि शिक्षार्थी क्या करती शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मिल खाती हुई युक्ति का चयन करें देखिए मतलब कि शिक्षार्थी क्या करती है इस उदाहरण को पढ़ो और उदाहरण से मिल खाती युक्ति का चयन करो यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ क्या चीज देखने का प्रयास करती हूँ तो आप संदर्भ सामग्री की मदद लेंगे ठीक है मान लो कि अगर मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई भी अर्थ तो मैं क्या देखने का प्रयास करूंगी किसी के संदर्भ में सामग्री की मदद लूंगी बाकी यहाँ पे फोर वाला ऑप्शन जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना तो ये भी कहीं किसी हद हाँ तक सही हो सकता है बट अगर आप यहाँ पर देखें अर्थ समझने की बात है तो संदर्भ आएगा तो पहला हो सकता है बट मे भी देखते इस क्वेश्चन पे डाउट है कि फोर वाला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है क्योंकि पैटागोजी है सीटेट ने किस माइंड से इसको बनाया है ये भी इस पर मैटर करता है तो वैसे फिलहाल आप वन और फोर पे जा सकते हो ठीक है चलिए 107 देखिए 107 का आपका तीसरा सही होगा नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु पे ये तो पता ही आपको 108 देखिए 108 का जो है अगर राइट आंसर बोलूं तो पहला होगा निपुणता जो है परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं तो भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है तो यह होगा पहला 109 देखिए एक सौ नौ का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला देखिए कैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया प्रेस्ट प्रेस्ट और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा मतलब विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर दिया मतलब बांट दिया और हाथी पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में जो आयोजित प्रश्न पत्र है मतलब प्रश्नोत्तरी इसमें भाग लेने के लिए कहा तो यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है मान लो मैं जैसे कि हाथी का टॉपिक मुझे पढ़ाना है तो मैं हाथी के टॉपिक पढ़ाने से पहले इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैं बच्चों से डिस्कस करूंगी ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए ठीक है आप डायरेक्ट क्लास में जैसे आपको मान लीजिए वायुमंडल पढ़ाना है तो वायुमंडल से पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ना ताकि बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट लें टॉपिक को पढ़ने में तो यही बात है इसीलिए टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना होगा सहपाठी पृष्ठ पोषण नहीं तो पहला आपका सही होगा अब 110 देखिए 110 का आपका राइट आंसर क्या होगा तो इसका होगा फोर देखिए कैसे भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए तो देखिए बच्चों को समाधान खोजने के लिए, के लिए कहना यह क्या बात हुई बात यहां पर क्या हो रही है कि बच्चा जो है अवरोध पैदा कर रहा है कुछ बच्चे होते हैं क्लास में बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ हमको उद्यमी विद्यार्थियों पर हमको ध्यान देना चाहिए और जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद से हमको बच्चे से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो समाधान या फिर समाधान खोजने के लिए आप अभिभावक पर तो निर्भर रह नहीं सकते हैं खत्म या फिर प्रशासन को देखो आप प्रशासन को बता दो यह भी कोई बात सही नहीं है सबसे पहले कोई भी बच्चा अवरोध पैदा करता है तो यहां पर ये बात तो हो ही नहीं सकती है आप किस चीज की समाधान खोजने के लिए कह रहे हैं कौन सी बात हो गई यह तो आपका काम है ना कि आप बच्चों से जानो बच्चे पे ध्यान दो तो इसलिए फोर होगा सौ दस भी हो गया एक सौ ग्यारह देखिए इसका आपका दूसरा होगा कैसे देखिए विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं संयोजन करते हैं प्रारूपण करते हैं संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं मतलब फिर बात अपने कार्य को वो दोहराते भी हैं सबसे पहले वो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे उसको संयोजन करेंगे प्रारूपण करेंगे संपादन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं अपने कार्य का पूरा जो है विवरण देते हैं पुनरावृत्ति करते हैं तो ये क्या है देखो ये पठन नहीं हो सकता ना ही वो सुन ना ही वाचन ये लेखन कौशल होगा ठीक एक सौ ग्यारह का आपका दूसरा सही है चलिए अब बारह पे आ जाते हैं तो देखिए एक सौ बारह आपका वही कथन वो और उस रीजन वाला है तो एक सौ बारह का देखिए आपका चौथा होगा कि आ, ए और आर दोनों सही है बट जो आर है ये ए की यहां से हटा देती हूँ फोर वाला ऑप्शन राइट है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है देखिए पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं एकदम सही है और समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल ये भी बात सही है दोनों बातें सही है व्याख्या भी सही है तो फोर के ऑप्शन एक देखिए तो एक सौ तेरह के बाद दूसरा हो जाएगा भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है कि आप समावेशित युक्तियों के माध्यम से पढ़ाएं ठीक है तो दूसरा सही हो जाएगा एक सौ चौदह देखिए तो एक सौ चौदह का आपका पहला होगा विद्यार्थियों ने वर्णात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए तो एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो तो आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है चलिए एक सौ पंद्रह एक सौ पंद्रह कक्षा सात की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा मतलब ध्यान से पढ़िएगा कक्षा सात की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तक मतलब जो क्लास में हमारे टेस्ट बुक पढ़ाया जाता है इसके अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है कि अन्य पुस्तक भी पढ़े तो वह किस तरह के पठन को सम्मिलित कर रही है देखो गहन तो नहीं होगा ना ही निर्देशित होगा तो ये विस्तृत हो सकता है कि वो अपने उसको एक्सटेंसिव कर रही है, बढ़ा रही है है बढ़ा तो दूसरा आपका सही हो जाएगा अच्छा फोर वाले पे भी डाउट है हल्का सा कि साझा पठन भी मे भी हो सकता है बट फिर भी दूसरा यहां पर सही है ठीक है एक सौ सो देखिए तो 116 सो का आपका तीसरा हो जाएगा प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए क्षेत्र के लिए सत्र के लिए पाठ पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों पर चयन करने के लिए कहा इनका चयन करते समय इसमें से कौन सा प्रासंगिक नहीं है तो सामग्री की अवधारणात्मक ये जटिलता से ही आप आंसर निकाल सकते थे तो इसलिए तीसरा होगा एक सौ सत्रह देखिए एक का आपका क्या होगा तो इसका आपका तीसरा होगा अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है तो एक सौ सत्रह का होगा तीसरा देखिए चेकलिस्ट पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल ये होगा एक सौ अठारह देखिए इसमें आपका पहला होगा एक अध्यापक ने कक्षा छह के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई यह फिल्म पाठपुस्तक एक अध्याय पर आधारित थी कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी देखो कैप्शन इसलिए डाला जाता है ना ताकि बच्चे जो है उसको ध्यान श्रवण युक्तियां हो सक्रिय रूप से हम देख सकें एक्टिव होकर विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणी सामग्री का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करें ठीक है इसीलिए कैप्शन वगैरह डाला जाता है सिर्फ सक्रिय रूप से देखना सुनना बस बच्चों को फिल्म दिखा के लिए प्रोत्साहित कर दो मौखिक ये नहीं होगा पहला आपका सही होगा ठीक है एक सौ उन्नीस देखिए निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है कैसे देखिए पहले लिखा है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं पर मतलब उस पर अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है बात एकदम सही है और नीचे लिखा है ना कि उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है सीमित नहीं होती है यह बात गलत है उनकी शब्द संपदा बहुत ज्यादा होती है तो आप सीमित नहीं बोल सकते हैं तो इसलिए आर गलत है ए सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक का पहला ठीक है ये देख लीजिए ध्यान से ए सही है आर गलत है 120 देखिए 120 का आपका पहला सही है एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है उसकी प्राथमिकता की पहचान करें जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ तो आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है